यानी मुस्लिम समुदाय को चाहे सभी भन्दा ठूलो चार पर्व ईद हो, ईद पछि को यो बकरईद दूसरो चार पर्व हो र यसलाई चाहिँ हामीले ईदगाह में गए नमाज पढ़े र आपस में चाहे गला मिलेर एक अर्कालाई बधाई र मुबारकबाद दिएर चाहिँ हामीले बकरईद मनाउने गर्छौं र त्यसपछि चाहिँ हामी यो तीन दिनसम्म त्यो हजरत इस्लाम धर्म को प्रवक्ता भनम वहाँ पनि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ को याद में चाहिँ कुर्बानी गर्ने हामीहरुको चलन छ। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे मौला, जो कर्ज से कर्ज लिया है।